alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Pushtra. So we were discussing the syllabus of lawgate and today is our second lecture. In today's video, we are going to start from the section three onwards of Civil Procedure Code 1908. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates.

और ये बताया गया है कि फॉर दी पर्पस ऑफ दिस कोर्ट सबसे हाइएस्ट फोरम प्रोविंशियल लेवल पर कौन सा है वो हाई कोर्ट है हाई कोर्ट के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद सिविल कोर्ट है बेसिकली इस सेक्शन के अंदर इन तीन कोर्ट्स का जिक्र किया है और इनकी सब बताइए कि कौन सी कोर्ट किसके सब है पहली बात जो सिविल कोर्ट से स्टार्ट करते हैं सिविल कोर्ट सब है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो चार्ट मैंने बनाया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसके सब हुई हाई कोर्ट के लेकिन ये सेक्शन ये कहता है जो सिविल कोर्ट है जो लोएस्ट फोरम पे कोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भी सब है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सब होने के साथ साथ वो हाई कोर्ट की भी सब है और इसी तरह यानी कि स्मॉल कॉजेस कोर्ट जितनी भी हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी सब ऑर्डिनेट है और हाई कोर्ट के भी जबकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिर्फ हाई कोर्ट के मातहत काम कर रही है सो so ये आपको सब याद होनी चाहिए उसके बाद आता है सेक्शन फोर सेक्शन फोर बेसिकली डील कर रहा है सेविंग क्लॉज के साथ अब सेक्शन फोर में क्या कहा गया है अब सेविंग क्लॉज की बात आती है तो ये हमेशा लिखा जाता है कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड यानी अगर किसी और कानून में कुछ लिखा गया है तो वो एप्लीकेबल होगा नहीं तो ये चीजें होंगी सो so, इस सेक्शन का भी स्टार्ट अगर देखें तो इसमें लिखा हुआ है इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कॉन्ट्रेरी आगे तीन चीजें बताई हुई है एक जनरल लॉ की बात की है एक स्पेशल लॉ की बात की है और फिर लोकल लॉ की बात की है जनरल लॉ कौन सा है जनरल लॉ वो लॉ है जो पाकिस्तान के अंदर तमाम कोर्ट्स में एप्लीकेबल है तमाम लोगों पर अप्लाई हो रहा है सिंपली फॉर एग्जांपल, जो हमारा सिविल प्रोसीजर कोड है सीपीसी वो एक जनरल लॉ है जो एज अ होल पूरे पाकिस्तान में तमाम कोर्ट्स पर अप्लाई हो रहा है फिर आता है स्पेशल लॉ स्पेशल लॉ एक कंट्री के अंदर किसी स्पेसिफिक लोगों पर अप्लाई हो रहा है होता तो पूरे पाकिस्तान में लेकिन कुछ खास लोगों पर अप्लाई हो रहा है इसको कहते हैं स्पेशल लॉ फॉर एग्जांपल जैसे हमारा सिविल सर्वेंट एक्ट है वो पूरे पाकिस्तान में जितने सिविल सर्वेंट से उन पर अप्लाई हो रहा है यानी एप्लीकेबिलिटी पूरी जगह पर लेकिन कुछ स्पेसिफिक लोग और वो स्पेसिफिक लोग कौन है सरकारी मुलाजिम इसी तरह तीसरी बात क्या है हमारा लोकल लॉ लोकल लॉ क्या है लोकल लॉ नाम से ही जाहिर है लोकेलिटी से निकला है यानी कोई ऐसा लॉ जो किसी स्पेसिफिक लोकेलिटी खास इलाके पर अप्लाई हो रहा है वो लोकल लॉ है फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा केपी प्रियम्शन एक्ट है या फिर केपी टेनेंसी एक्ट अब ये खास लोकेलिटी के लिए यानी कि सिर्फ केपी में अप्लाई होगा खैबर पख्तनख्वा में जितने लोग ले रे, रे रहे हैं उन लोगों पर ये एक्ट अप्लाई होगा जनरली अप्लाई नहीं हो रहा अब इन तीनों को समझने का मकसद क्या था इस सेक्शन में यह कहा गया है कि लोकल और स्पेशल लॉ की इंपॉर्टेंस ज्यादा है और यह हमेशा जनरल लॉ को सुपरसीड करते हैं यानी अगर कहीं पर कोई बात आ जाए कि जनरल लॉ कुछ और कह रहा है लोकल लॉ या स्पेशल लॉ कुछ और कह रहे हैं तो स्पेशल लॉ एप्लीकेबल होगा अब सिविल सर्वेंट एक्ट क्या है यह भी एक सिविल लॉ है लेकिन स्पेशल लॉ के तहत इसको डील किया जाएगा सो इन दी प्रेजेंस ऑफ एनी स्पेशल लॉ जनरल लॉ विल नॉट बी एप्लीकेबल एज पर सेक्शन फोर ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। जीरो एट सिंपली लोकल एंड स्पेशल लॉ सुपरसी जनरल लॉ उसके बाद आता है सेक्शन फाइव सेक्शन फाइव बेसिकली डील कर रहा है एप्लीकेशन ऑफ दिस कोड टू रेवेन्यू कोड अब ये जो दिस कोड की बात हुई है दिस कोर्ट से मुराद क्या है ये जो सी जो हम पढ़ रहे हैं सिविल प्रोसीजर कोड ये क्या रेवेन्यू कोर्ट्स पर एप्लीकेबल है या नहीं अब समझने की बात यह है कि रेवेन्यू कोर्ट्स क्या हैं। सो अगर आप सेक्शन फाइव की सब क्लास टू में देखें तो रेवेन्यू कोर्ट को इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि कोई भी ऐसी कोर्ट जिसको किसी लोकल लॉ के अंडर जुरिस्ट्रिक्शन दी गई है कि वो ऐसे सूट सुन सकती है जो कि किस से रिलेटेड है रेंट से प्रॉफिट्स ऑफ दी लैंड और रेवेन्यू जो एग्रीकल्चर परपजेस के लिए यूज हो रहे हैं ऐसे तमाम सूट्स को रेवेन्यू कोर्ट सुन सकती है अब बात यह आती है कि क्या रेवेन्यू कोर्ट पर सीपीसी एप्लीकेबल है या नहीं अगर है तो किस तरह से नहीं है तो क्यों नहीं है जनरली सीपीसी रेवेन्यू कोर्ट्स पर एप्लीकेबल नहीं है ना ही रेवेन्यू कोर्ट्स पर ना फैमिली कोर्ट्स पर ना कहीं और जहां स्पेशल लॉ मौजूद है वहां पर सीपीसी एप्लीकेबल नहीं होगी क्योंकि हमने सेक्शन फोर में क्या पढ़ा कि स्पेशल लॉ की प्रेजेंस में जनरल लॉ एप्लीकेबल नहीं होता जनरल लॉ प्रिवेल नहीं करता लेकिन इसी सेक्शन की क्लॉज वन के अंदर एक एक्सेप्शन दी गई है और ये कहा गया है कि जहां पर रेवेन्यू कोड इस कोर्ट की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग बनाई गई है वहां पर अगर कोई स्पेशल लॉ किसी स्पेसिफिक मैटर पर साइलेंट है स्पेशल लॉ के अंदर कोई प्रोविजन उस मैटर से रिलेटेड नहीं दी गई तो वहां पर सीपीसी कैसे अप्लीकेबल होगी कि जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के थ्रू अपने ऑफिशियल गजट में ये चीज डिक्लेयर कर देगी कि ये स्पेसिफिक प्रोविजन सीपीसी की एप्लीकेबल होगी रेवेन्यू कोर्ट्स पर तो तब रेवेन्यू कोर्ट्स पर सीपीसी अप्लाई होगी वरना नहीं होगी उसके बाद आता है सेक्शन सिक्स सेक्शन सिक्स डील कर रहा है पेक्यूनरी जुरिस्ट्रिक्शन के साथ पेक्यूनरी जुरिस्ट्रिक्शन पेक्यूनरी जुरिस्टिक्शन क्या है पेक्यूनरी को अगर आप देखें तो नाम से ही जाहिर है वो चीज जो वैल्यू से डील कर रही है किसी चीज की मालियत क्या है ये वर्ड मॉनेटरी से निकला है यानी कि पैसे से निकला है मॉनेटरी के किसी चीज की मॉनेटरी जुरिस्ट्रिक्शन क्या है खास बात क्या है वैल्यू जो उसकी मालियत है वो पेक्यूनरी जुरिस्ट्रिक्शन है और याद रखें कि कोई भी कोर्ट अपनी पैक्यूनरी जुरिस्ट्रिक्शन की लिमिटेशन से बाहर निकलकर कोई भी सूट नहीं सुन सकती तमाम कोर्ट्स को बाकायदा पेक्यूनरी जो दी गई हैं जैसे सिविल जज वन के पास अनलिमिटेड पेक्यूनरी जो है वो कोई भी मुकदमा किसी भी मालियत का मुकदमा सुन सकता है इसी तरह सिविल जज टू के पास आए तो सिविल जज टू के पास ये पावर है कि वो अप अपू फिफ्टी तक जितने भी मुकदमा हैं जितनी भी मालियत के मुकदमे पचास लाख ,00 तक के हैं वो उनको सुन सकता है और इसी तरह सिविल जज थ्री के पास ये पावर है कि वो पांच लाख तक के जितने भी मुकदमे हैं जितनी भी मालियत के मुकदमे हैं उनको सुन सकता है ये इनको डिवाइड करके पेक्यूनरी जुरिस्ट्रिक्शन दे दी गई है इससे हटकर वो किसी भी सूट को नहीं सुन सकते जो कि उनकी पेक्यूनरी जोरिस्ट्रिक्शन से बाहर है सो सिंपली पेक्यूनरी आपने याद रखना है कि वो जो सब्जेक्ट सब्जेक्ट वैल्यू ऑफ ऑफ मैटर सूट से डील कर रही है वो पेक्यूनरी जोरिस्ट्रिक्शन है सेक्शन सेवन और सेक्शन एट ओमिटेड है अब आ जाते हैं सेक्शन नाइन के ऊपर सेक्शन नाइन क्या कहता है सेक्शन नाइन कहता है कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड इसमें क्या कहा गया है सेक्शन नाइन ये कहता है कि सिविल कोर्ट्स के पास ये पावर है ये जुरिस्टिक्शन है कि वो तमाम मुकदमे सुन सकते हैं कौन से तमाम मुकदमे वो तमाम मुकदमे जो सिविल नेचर के हैं वो उन तमाम मुकदमों को सुन सकता है उसके पास ये जुरिस्टिक्शन है वाए अब सेक्शन नाइन में एक एक्सेप्शन दी गई है और वो एक्सेप्शन क्या कह रही है एक्सेप्ट द सूट्स ऑफ विच देर कॉग्निजेंस प्रोहिबिट कर दिया गया है तो उस सूरत में फिर वो तमाम मुकदमे सिविल कोर्ट नहीं सुनेगी अब वो चाहे इम्प्लाइडली बार किए हों या एक्सप्रेसली बार कर दिए हैं तो ऐसे तमाम मुकदमे सिविल कोर्ट नहीं सुन सकती इसके अलावा सिविल नेचर के जितने भी मुकदमे हैं सिविल कोर्ट के पास ये पावर है कि वो ऐसे तमाम मुकदमों को सुन सकती है सो so, याद रखने वाली बात सेक्शन नाइन में क्या है सिविल नेचर के तमाम मुकदमे सिविल कोर्ट सुन सकती है सवाए जहां पर उसकी कॉग्नीजेंस को बार कर दिया हो उसके बाद आता है सेक्शन टेन सेक्शन टेन क्या कहता है स्टे ऑफ सूट सेक्शन टेन में जो स्टे ऑफ सूट की बात की है ये बेसिकली रेस 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 है और हमने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगी आप लोग वहां से देख लेना अब इसमें रेस अब्जुडिस में क्या बात ही है के, के एक कोर्ट है वहां पर आप अपना मुकदमा लेकर जाते हो दो पार्टीज जाती हैं कोई कॉज ऑफ एक्शन है सब्जेक्ट मैटर पर अब उस कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और यही मुकदमा लेकर यही सेम पार्टी सेम कॉज ऑफ एक्शन पे सेम सब्जेक्ट मैटर में किसी दूसरी कोर्ट में चली जाती हैं मींस टू से अगर एक कोर्ट है उसमें एक मुकदमा चल रहा है उस मुकदमे का फैसला अभी नहीं आया वो पेंडिंग सूट है एक कोर्ट में और यही पार्टी सेम कॉज ऑफ एक्शन पर सेम सब्जेक्ट मैटर पर यही मुकदमा किसी दूसरी कोर्ट में ले जाती है तो सेक्शन टेन ये कहता है कि दूसरी कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो ऐसे किसी मुकदमे को प्रोसीड करे फर्दर प्रोसीड करे यानी कि सेक्शन टेन सब्सिक्वेंट सूट पर बार लगा रही है सेक्शन टेन सब्सिक्वेंट सूट पर स्टे लगा रही है कि जो बाद में आने वाला सूट है दूसरी कोर्ट ऐसे किसी सूट को नहीं सुन सकती जो ऑलरेडी किसी कोर्ट में चल रहा है पेंडिंग मामला है जब तक उसका डिसीजन पहली कोर्ट से नहीं आ रहा तो दूसरी कोर्ट में वो मुकदमा नहीं चलेगा ये सेक्शन टेन है बेसिकली स्टे ऑफ सूट की बात है अब अगर हम इसके साथ सेक्शन अलेवन को देखें तो सेक्शन अलेवन इसके टोटली totally ऑपोजिट है सेक्शन अलेवन क्या बात कर रहा है सेक्शन अलेवन डील कर रहा है रेस्ट जुडी काटा के साथ रेस्ट जुडी काटा को समझने से पहले सेक्शन टेन में हमने क्या बात की थी पेंडिंग सूट की बात है सेक्शन अलेवन डिसाइडेड सूट की बात कर रहा है कैसे कि सेक्शन 11 ये कहता है कि अगर किसी कोर्ट में कोई पार्टीज अपना मुकदमा किसी सब्जेक्ट मैटर पर स्पेसिफिक कॉज ऑफ एक्शन पर लेकर गई हैं और उस कॉम्पिटेंट कोर्ट ने इस मुकदमे को डिसाइड कर लिया है उस पर अपना फैसला सुना दिया है और उसके बाद यही पार्टीज इसी सब्जेक्ट मैटर को लेकर इसी सेम कॉज ऑफ एक्शन पर सेम पार्टीज किसी दूसरी कोर्ट में जाती हैं और वहां जाकर अपना सूट इंस्टीट्यूट करती हैं तो सेक्शन 11 ये कहता है कि जब वो दूसरी कोर्ट में ऐसा कोई सूट लेकर जाएंगी तो वो कोर्ट के पास पावर नहीं है कि वो इसको सुन सके यानी कि जो मैटर ऑलरेडी डिसाइड हो गया है उस पर दोबारा सूट इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता एज पर सेक्शन अलेवन सेक्शन टेन में पेंडिंग सूट किसी दूसरी पेंडिंग सूट है तो आप दूसरी कोर्ट में इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते सेक्शन अलेवन कहता है कि जहां पर मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड है डिसाइड होने के बाद फिर ये मैटर आप किसी और कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते उसके बाद आता है सेक्शन ट्वेल्व सेक्शन ट्वेल्व बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये किसके साथ डील कर रहा है बार टू फर्दर सूट अब ये तो हमने कहा कि स्टे ऑफ सूट है है ये भी किस्म का बार ही है। तो सेक्शन ट्वेल्व ये कहता है कि जहां पर प्लेंटिफ को प्रिक्लूड किया गया है मींस टू से उसे महरूम किया गया है इन सिंपल वर्ड जहां पर उसको मना किया गया है कि वो फर्दर सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता किस से रिलेटेड किसी पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन पर जब उसे रोक दिया गया है कि फर्दर सूट वो इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग फिर वो इंटाइटल्ड नहीं है कि वो इसी पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन पे कोई नया सूट इंस्टीट्यूट करे यानी जहां पर उसे रोक दिया गया है फर्दर सूट इंस्टीट्यूट करने से तो फिर उसका राइट right खत्म हो जाता है कि वो ऐसा कोई सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता अब ये सेक्शन ट्वेल्व इसको बनाने का मकसद क्या था टू प्रिवेंट दी एंडलेस लिटिगेशन एंडलेस लिटिगेशन से मुराद क्या है कि अगर एक सूट ऑलरेडी डिसाइड हो गया है उस बंदे का फैसला सुना दिया है और फिर वो दोबारा कोर्ट में आता है बार बार अपना एक ही मुकदमा लेकर बार बार कोर्ट का टाइम बर्बाद करने के लिए तो ऐसी सूरत में जब वो बार बार अपना मुकदमा लेकर आएगा तो जस्टिस प्रिवेल नहीं होगा लिहाजा उस बंदे को रोक दिया गया है कि अगर उसे पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन पर मना कर दिया है तो वो ऐसा सूट दोबारा इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता जैसे सेक्शन टेन और सेक्शन अलेवन में बात की गई है ये तो था सेक्शन ट्वेल्व की क्लॉज वन सेक्शन ट्वेल्व की क्लॉज टू क्या कहती है कि जहां पर पर्सन एक बंदा जो के किसी कोर्ट की दी हुई जजमेंट डिक्री या ऑर्डर की वैलिडिटी को चैलेंज कर रहा है अगर किसी कोर्ट ने कोई डिक्री, ऑर्डर या जजमेंट पास कर दी है और वो बंदा इस जजमेंट ऑर्डर या डिक्री को चैलेंज कर रहा है किन बेसिस पर ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन और वॉन्ट ऑफ जुरिस्टिक्शन ये तीन ग्राउंड्स हैं अगर इन तीन ग्राउंड्स पर कोई बंदा किसी कोर्ट की जजमेंट या डिक्री को चैलेंज कर रहा है वॉन्ट ऑफ जोरिस्टिक्शन क्या है कि जहां पर किसी कोर्ट को जुरिस्टिक्शन ही हासिल नहीं थी लेक ऑफ जोरिस्ट्रिक्शन थी और उसने फैसला दे दिया है इसी तरह फ्रॉड की बेस पे या मिस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट की बेस पे अगर कोई फैसला दिया है तो उस बंदे के पास सिर्फ एक ही रेमेडी है और वो क्या रेमेडी है कि वो इसी कोर्ट में एक एप्लीकेशन देगा जिस कोर्ट ने ये फाइनल डिक्री, फाइनल जजमेंट या फाइनल ऑर्डर पास किया है वो इस कोर्ट में एप्लीकेशन देगा कि मेरे फैसले को दोबारा देखा जाए इसके लिए उसे सेपरेट सूट इंस्टीट्यूट करने की जरूरत नहीं है सेक्शन बेसिकली फ्रेश सूट पर बार लगा रहा है कि आप फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट करने के बजाय उसी कोर्ट में एप्लीकेशन दे के रेमेडी अवेल कर सकते हो सो so, आज की वीडियो में हमने सेक्शन थ्री से सेक्शन ट्वेल्व तक डिस्कस किया है नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन फिफ्टीन से ट्वेंटी तक डिस्कस करेंगे सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे अगर आपने वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन अल्लाह हाफिज